हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो पिछले क्लास में हमने अपने फर्स्ट वाले लेसन की रिवीजन ली थी, ओके, वो आपको पता है अच्छे से। तो अभी हम आज की क्लास में देखेंगे अपना सेकंड वाला लेसन। तो लेसन का नाम क्या है? आ की मात्रा। तो अपना पार्ट नंबर दो क्या है? आ की मात्रा। तो वो आ से बनने वाले शब्द कैसे होते हैं, उन्हें कैसे लिखना है, उन्हें कैसे पढ़ना है, वो हमने सीखा पहले ही। तो आज हम इसके बस क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ओके, क्योंकि अभी आपकी एग्जाम होने वाली है ना। तो देखो, पहला वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे लेसन नंबर टू में, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो क्या आप पिक्चर्स देख के उनके नाम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, गगन, क्या लिखा है यहाँ पे? गगन। यहाँ पे आम का पिक्चर दिया है, यहाँ पे ब्लैंक है एंड खा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखो पिक्चर में क्या निकाला है, आम निकाला है, इसीलिए ये जो ब्लैंक जगह है, ये जो खाली जगह है, वहाँ पे हमें आम लिखना होगा, ओके। जैसे कि मैंने लिखा है पहले से, तो गगन आ खा, ओके, समझ में आया इतना। अभी सेकंड वाला देखो, सेकंड में क्या है, राधा, ये तबले दिए हैं दो एंड ब्लैंक दिया है और लिखा है बजा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तबला, ओके, हो गया था अपना। अभी देखो आगे क्या है, कमला, एक ताला का पिक्चर दिया है यहाँ पे, ताला है, तो ताला लगा, क्या लिखेंगे हम? क्योंकि यहाँ पे ताले का पिक्चर है एंड इसीलिए हम ब्लैंक में लिखेंगे ताला। तो सेंटेंस क्या हुआ अपना, वाक्य क्या होता है ये? कमला ताला लगा, ओके। अभी देखो आगे, अभी ये देखो पिक्चर, ये किसका पिक्चर है देखो अच्छे से, ये जो पिक्चर है वो एक पाठशाला यानी कि स्कूल का पिक्चर है। अभी आप स्कूल लिखोगे क्या? नहीं, क्योंकि स्कूल जो वर्ड है वो तो इंग्लिश में लिखते हैं हम, है ना। तो इसीलिए हम स्कूल को हिंदी में बोलते हैं पाठशाला। क्या बोलते हैं स्कूल को? पाठशाला। एंड इसीलिए हम ये पिक्चर देखेंगे एंड इस ब्लैंक में लिखेंगे पाठशाला, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, दिखा आपको, ओके। अभी देखो आगे, अभी क्या करना है हमें? फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों को पूरे कीजिए। जो खाली जगह है वहाँ पे हमें एक एक शब्द डालना है और ये जो ब्लैंक्स हैं उनको कंप्लीट करना है, ओके बेटा। देखो अभी तो पहला वाला अपने पास एग्जाम्पल वाइज दिया है, यानी कि एक उदाहरण दिया है अपने पास। तो ये जो शब्द है वो कैसे लिखने हैं, देखो पहला क्या है, जल, जाल, जाला, ओके। तो वैसे ही हमें नीचे भी लिखना है, जैसे कि जल, जाल, जाला है इतने। तो देखो बीच में लिखा है जाल, काल, बाल। अभी देखो ना, जाल का जल हुआ तो काल का क्या होगा? कल। क्या होगा काल का? कल। और वैसे ही जाल का जाला हुआ तो काल का क्या होगा यहाँ पे? काला, ओके। वैसे ही लास्ट वाला, बाल का क्या लिखेंगे हम? पहले बल एंड लास्ट में लिखेंगे बाला। तो यानी कि कैसे हुए ये, जल, जाल, जाला, कल, काल, काला, बल, बाल, बाला, ओके। इतना समझ में आया। आगे देखो, अभी चित्रों का उनके नाम से मिलान कीजिए। ये जो पिक्चर्स हैं तो उनको हमें उनके नाम से मिलान करना है, यानी कि जोड़ी लगाना है। तो अभी हम जोड़ी कैसे लगाएंगे, देखो ये पहला वाला पिक्चर किसका है? मकान, मकान, हाउस, घर, पता है आपको। सेकंड वाला पिक्चर किसका है? जहाज, पहचानना आता है ना आपको। उसके बाद ये देखो, ये पिक्चर किसका है? कान का, कान का है। एंड लास्ट वाला जो पिक्चर है वो है नाक का, ओके। तो आपको ये पिक्चर पहचानने आने चाहिए, आपको आते हैं, बिल्कुल इजी पिक्चर है ना। अभी पिक्चर तो आप पहचान लोगे, लेकिन आपको पढ़ना आता है ना, अगर आपको अच्छे से पढ़ना आता है तो आप ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अच्छे से छुड़ा लोगे। तो पहला वाला क्या है? नाक। तो हमें देखना है कि नाक कहाँ है, मतलब नाक का पिक्चर कहाँ है, देखो यहाँ पे लास्ट में। तो इसीलिए हमने ये जो नाक की जोड़ी है, ये जो नाक की जोड़ी है वो हम यहाँ तक लाइन लाएंगे और इसको जोड़ देंगे, ओके। अभी सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है? जहाज। तो जहाज का पिक्चर कहाँ है, देखो यहाँ पे, दिखा आपको, तो इसको हम ऐसे जोड़ देंगे। उसके बाद थर्ड में क्या है? कान, कान हो गया। उसके बाद मकान, मकान तो आपको पता ही है ना। तो ये हुआ यहाँ पे कंप्लीट। तो अभी देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है अपने पास, चित्रों की सहायता से शब्द बनाइए।
तो देखो यहाँ पे बहुत से चित्र दिए हैं, बहुत से पिक्चर्स दिए हैं, तो हमें उनसे मतलब वो पिक्चर्स देख के हमें नीचे शब्द बनाने हैं। तो पहला वाला क्या है? ताला। किसका पिक्चर है ये? ताला। नीचे लिखा है ता, हम लिखेंगे ला। ओके, हो गया ताला। उसके बाद सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या है? दरवाजा। क्या है ये? दरवाजा। देखो यहाँ पे द लिखा है, ब्लैंक जगह छोड़ी है, वाजा लिखा है, तो यहाँ पे हम व लिखेंगे एंड ये जो सेंटेंस सॉरी ये जो शब्द है वो क्या होगा? दरवाजा। ओके, थर्ड वाला किसका पिक्चर है? ये मगर। ओके, इसीलिए पहले म लिखा है, हम लिखेंगे ग, यानी कि क्या होगा? मगर। थर्ड में क्या है? माला। ओके, देखो यहाँ पे म लिखा है, ब्लैंक है, उसके बाद ल लिखा है, फिर से ब्लैंक है, तो यहाँ पे हमें आ की मात्रा लगानी है, यानी कि एक काना लगाना है ना? हो गया। उसके बाद लास्ट में एक काना दिया है, र दिया है, हमें यहाँ पे क्या लिखना है? क, क्योंकि पिक्चर किसका है? कार का। इतना समझ में आया आपको? अभी हम अगले क्लास में अपना लेसन नंबर 3 देखेंगे एंड लेसन नंबर 4 देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लास आज हम यही स्टॉप करते हैं। तो जो भी मैंने पढ़ाया आपको वो अच्छे से ध्यान से अपने टेक्स्ट बुक में फिर से देखो एंड अच्छे से एक बार अच्छे से पढ़ लो। ओके, थैंक्स।